आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा एक प्रकार से राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है, एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और अब हम जब कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल दे रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि एक अत्यंत सहयोग के साथ अनेक ऐसे मसले रहे हैं, देश आगे बढ़ा है। कोविड का संकट बहुत बड़ा था, दुनिया ने भी परेशानी झेली, हम लोगों ने भी झेली है, लेकिन हमारे फेडरलिज्म की ताकत थी कि केंद्र और राज्यों ने मिलकर के जिससे जो बन पड़ता है बन कर करके देश की बहुत बड़े संकट से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। और ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ताकत को बल देता है, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को की एक ताकत। उसने अनेक संकटों का सामना किया है और हमने सिर्फ संकटों के समय नहीं, उत्सव के समय भी दुनिया के सामने भारत की उस ताकत को पेश किया है जिससे दुनिया प्रभावित हुई है। भारत की विविधता, भारत के इतने राजनीतिक दल, भारत में इतने मीडिया हाउसेस, भारत के इतना रहन सहन, बोलियां, ये सारी चीजें G20 समिट में, राज्यों में जो समिट हुई, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत देर से आए, लेकिन उसके पहले देश के 60 जितने शहरों में 220 से ज्यादा समिट होना, और हर राज्य ने बढ़ चढ़ करके बड़े उत्साह के साथ विश्व को प्रभावित करें इस प्रकार से मेहमान नवाजी भी की, और जो डेलीब्रेशन हुए उसने तो दुनिया को दिशा देने का सामर्थ्य दिखाया है। और ये हमारे फेडरलिज्म की ताकत है, और उसी फेडरलिज्म के कारण और उसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कारण आज हम यहाँ प्रगति कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इस नए सदन में भी, नई हमारी इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी उस फेडरलिज्म का एक अंश जरूर नजर आता है, क्योंकि जब बनता था तब राज्यों से प्रार्थना की गई थी कि कई बातें ऐसी हैं जिसमें हमें राज्यों की कोई न कोई याद यहां चाहिए, लगना चाहिए कि ये भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व यहां है। और यहां कई प्रकार के ऐसी कलाकृतियां, कई चित्र जो पूरे हमारी दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो राज्यों ने पसंद करके अपने यहाँ राज्य की श्रेष्ठ चीज भेजी है। यानी एक प्रकार से यहाँ के वातावरण में भी राज्य भी है, राज्यों का की विविधता भी है, और फेडरलिज्म की सुगंध भी है।